हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 17। तो इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे 17 to 20, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन इज़, इन अ स्कूल स्टूडेंट thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of school class each section of each class will plant will be the same as the class. इसका मतलब ये है, in which they are studying. इस लाइन का मतलब ये है कि एक स्कूल है जिसमें ट्री प्लांट्स करने हैं स्कूल के चारों तरफ, किसके लिए? एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो स्कूल में ये डिसाइड किया गया है कि जो जिस क्लास में है वो उतने ही प्लांट व्हाट ट्री प्लांट करेगा, मतलब कि जो फर्स्ट क्लास में वो एक ही ट्री प्लांट करेगा, जो सेकंड क्लास में है वो टू ट्री प्लांट करेंगे, जो थर्ड क्लास में है वो थ्री ट्री प्लांट करेंगे। ये देखो एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट वन ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट टू ट्री, तो जो सेकेंड क्लास में वो टू ट्री प्लांट करेगा, एंड सो ऑन टिल क्लास 12। तो 12th तक ऐसे ही चलेगा, तो 12th क्लास वाला 12 प्लांट ट्री प्लांट करेंगे। फिर देयर आर थ्री सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, तो यहाँ पे ये कहा है कि ईच क्लास के यहाँ पे कितने सेक्शन हैं? थ्री सेक्शन है। हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट्स, तो हाउ मैनी मतलब कि हमें सम फाइंड करना है कि टोटल कितने ट्री प्लांट किए हैं। तो सम फाइंड करना मतलब कि हमें यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाना है और ए पी यहाँ पे गिवन नहीं, हमें ए पी जनरेट करनी है। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट जो पहले जो जिस नंबर पे है, जो फर्स्ट फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट एक ट्री प्लांट करेंगे, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट टू ट्री प्लांट करेंगे, थर्ड के थ्री, फोर के फोर, ऐसे करके जो उनका क्लास का नंबर है उतने ही ट्री उनको प्लांट करने हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये कहा है कि फर्स्ट क्लास में ईच क्लास में कितने सेक्शन है? थ्री सेक्शन है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में अब इन्होंने कहा थ्री सेक्शन है, तो हम ले लेते हैं कि ए सेक्शन है, बी सेक्शन है और थ्री सेक्शन है। लेकिन ये फर्स्ट क्लास है तो ये तीनों ही सेक्शन वन वन ट्री क्या करेंगे? प्लांट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो सेकेंड क्लास है वो उसमें भी थ्री सेक्शन है, तो यहाँ पे भी ये थ्री सेक्शन है, ए बी और सी। लेकिन ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है, तो इनको टू ट्री, जो इनके क्लास का नंबर है उतने ही ट्री ईच सेक्शन को प्लांट करने हैं। तो ऐसे कर करके आप आगे आगे देखोगे तो जो थर्ड क्लास है उसमें आपको यहाँ पे प्लांट करने हैं तीनों सेक्शन। अब थर्ड क्लास है जो जो इसका नंबर है उतने ही ट्री ये प्लांट करेंगे, तो थर्ड क्लास को यहाँ पे प्लांट करने हैं ईच सेक्शन को थ्री 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 ट्री यहाँ पे प्लांट करने हैं। फिर नेक्स्ट ऐसे ही फोर्थ हो जाएगी, जो फोर्थ हो जाएगी उसको यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? फोर्थ क्लास को यहाँ पे इसमें भी थ्री सेक्शन है, ए बी सी, तो फोर नंबर फोर है, तो ये फोर 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 ट्री यहाँ पे प्लांट करेंगे। तो ये हमें यहाँ से ए पी बनानी है। तो आप यहाँ पे देखो, इस वाली फर्स्ट क्लास ने टोटल कितने ट्री प्लांट किए? तो वन प्लस वन प्लस वन, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए फर्स्ट क्लास ने? हम ए पी जनरेट कर रहे हैं क्योंकि हमें वन टू लेके ट्वेल्थ क्लास तक के स्टूडेंट ने कितने ट्री प्लांट किए वो ए पी बनानी है, उसके बाद हमें उसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास ने हमारे यहाँ पे प्लांट किए वन प्लस वन प्लस वन, तो इन्होंने टोटल थ्री ट्री प्लांट किए। ओके, फिर सेकंड क्लास ने कितने किए? तो ये हमारे यहाँ पे हो गए टू प्लस टू प्लस टू, तो ये हो गया टू प्लस टू प्लस टू, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? फोर और टू सिक्स हो गया। फिर थर्ड क्लास ने कितने प्लांट किए? तो थ्री प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नाइन। तो ये हमारा कैसे आया? थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री से। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ क्लास ने कितने किए? तो आपको जो फोर्थ क्लास है तो थ्री टाइम फोर ऐड करना है, अगर सेकंड क्लास है तो थ्री टाइम टू ऐड करना है, थर्ड क्लास है तो थ्री टाइम थ्री ऐड करना है, और ये फोर्थ है तो थ्री टाइम फोर ऐड किया, तो ये फोर प्लस फोर एट और एट प्लस फोर ट्वेल्थ, तो ये हमारी ऐसे ए पी बन जाएगी। अब यही अगर ये ऐसे कहते कहते अगर हमारी ट्वेल्थ क्लास हो गई, लास्ट क्लास हम ले लेते हैं, इसका मैं एक और बता देती हूँ कि ट्वेल्थ क्लास है तो वो कितने ट्री प्लांट करेगी? ये ए है, ये बी है और ये सी, तो ये ट्वेल्व करेंगे, ये भी ट्वेल्व करेंगे, ये भी ट्वेल्व करेंगे, तो इनका कितना हो जाएगा हमारा ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, तो ये हमारा कितना हो गया 36 प्लांट ये
प्लांट करें, टोटल 36 ट्री प्लांट करेंगे। तो इतना समझ में आ गया, आई होप आपको ये एपी जनरेट करना तो यहाँ पे समझ में आ गया। अभी भी आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे पूछें। तो ये अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी समझने वाली बात थी कि हमें एपी कैसे बनानी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंस देयर आर थ्री सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, नंबर ऑफ देयर फॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। तो यहाँ पे कितना हो गया, थ्री, क्लास फर्स्ट ने थ्री किए, फिर सेम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड क्लास ने कितने प्लांट किए, सिक्स, फिर सेम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड क्लास ने कितने किए थे, नाइन, एंड सो ऑन। तो ये हमारी एपी बन गई। तो ये नाउ माय एपी इज थ्री, हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है, सिक्स, नाइन एंड सो ऑन। हम ट्वेल्थ का भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमने फाइंड किया, लेकिन आप इतना भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपकी एपी से हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये लास्ट आपका यहाँ तक कितने जा रहा था, 36 तक जा रहा है। तो ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको यहाँ पे राइट कर दूँ, लास्ट वाली क्लास जो है हमारी वो 36 ट्री प्लांट करेगी। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको दो मैथड से बताती हूँ कि लेट कि आपने सिर्फ थ्री क्लास का ही फाइंड किया, 36 नहीं फाइंड किया, तो ये आपकी टोटल कितनी टर्म हो जाएगी, यहाँ 12 टर्म हो जाएगी। तो ये मैं आपको देखो दो मेथड से बता देती हूँ। तो अगर आपने ये 12th क्लास तक का भी सॉल्व कर लिया तो भी ठीक है, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे देख लो एक और, कि हमने एक और एपी ये बनाई है, 3, 6, 9, ये फर्स्ट क्लास के लिए, ये सेकंड क्लास के लिए, ये थर्ड क्लास की, और टोटल कितनी क्लास है यहाँ पे, 12th क्लास तक का बनाना है, 12th टर्म तक का। तो टोटल यहाँ पे हमारा अप टू 12th क्लास तक का बनाना है। तो ये हमारा 12 यहाँ पे टर्म हो गया, और ये समझ में आ गया तो अब इससे कर लेना। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, ये लास्ट टर्म हमें गिवन है, और ये फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n बाय 2 ए प्लस एल। तो n यहाँ पे देखो फाइंड किया गया, हमें गिवन किया गया, ए हमारा है 3, एल हमारा कितना है, दिस माइनस दिस, तो 6 माइनस 3 हो गया, तो वो 3 हो गया। ये हमारा सॉरी डी डी इज 3। फिर हमारा लास्ट टर्म जिसको हम ए एन भी कहते हैं, वो हमारा है यहाँ पे 36, और एन कितना है, तो वो है यहाँ पे डी फाइंड करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे डी इसमें है नहीं, ठीक है। फिर एन हमारा यहाँ पे कितना है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल कितने क्लासेस है जो ट्री प्लांट करेगी, तो फर्स्ट टू लेके 12 तक क्लासेस जो ट्री प्लांट करेगी, तो टोटल एन इक्वल टू 12 हो गया। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज एस, एन की जगह 12 रखा, 12 बाय 2, ए इज 3, एल इज 36। तो ये हमारा हो गया, 2 के टेबल से कैंसिल किया 6 टाइम, 6, 36 प्लस 3, 39। तो 6 इंटू 39 हमारा हो गया, 6 इंटू 9 54, 4, 5, 6 इंटू 3 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 234 ट्री प्लांट करेगी टोटल 12th क्लास, वन से फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक सारी क्लासेस जो हैं, जो सारे सेक्शन मिलके 234 ट्री प्लांट करेंगे। अब अगर आपने एपी में लास्ट टर्म नहीं फाइंड किया, आपने फर्स्ट थ्री टर्म ही यहाँ पे कैलकुलेशन से फाइंड किया, और ये तो आपको पता ही है, जैसे एन इक्वल टू हमने 12 लिया क्योंकि टोटल 12th क्लास तक के स्टूडेंट प्लांट करेंगे, तो यहाँ हम कौन सा, अगर आपने ये वाली एपी बनाई है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, SN इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये यहाँ से भी ए हमारा आ गया 3, डी हमारा जो यहाँ पे कैलकुलेट किया वही 6 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 3, एन हमारा सेम 12 तक रहेगा क्योंकि यहाँ पे टोटल 12 क्लास है। तो ये तीन वेरिएबल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एस 12 इक्वल टू 12 बाय 2, 2 इंटू 3, ए की जगह 3 रखा, फिर एन की जगह 12 माइनस 1, डी की जगह अभी हमने यहाँ रखा 3, तो ये हो गया हमारा 2 के टेबल से कैंसिल हो गया हमारा यहाँ 6 टाइम, तो 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 हो गया हमारा 33। तो सेम यहाँ पे भी आ रहा है, 6 इंटू 39 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे भी 234 ट्रीज। तो यहाँ पे भी एस 12, तो टोटल यहाँ पे भी कितने ट्री प्लांट होंगे, यहाँ पे ऑल सेक्शन मिलके यहाँ पे कितने ट्री प्लांट करेंगे,
234. तो यहाँ पे द सम ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे द सम ऑफ द नंबर ऑफ द ट्री प्लांटेड बाय प्लांटेड बाय क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट टू 12 इज 234. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बहुत ईजी है, सिर्फ ये वाली चीज़ यहाँ पे समझनी है. अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.